तरह ही बना रही हूँ, लेकिन इसमें कुछ पैटर्न हम अलग दे रहे हैं। इसमें हम थर्मोकोल के बॉल वाले बटन बनाकर लगाएंगे और इसका जो नेक है वो काफी डीप रखने वाले हैं, बैक वाला। तो ये हमारे पास 3 मीटर कपड़ा है और इस कपड़े की चौड़ाई, इस कपड़े का पन्ना 43 इंच। यह साउथ कॉटन फैब्रिक है, तो आप हमेशा साउथ कॉटन कपड़ा हो तो उसको धोकर बनाइए। और यह कपड़ा मेरा कुछ इस तरह से आड़ा कपड़े में प्रिंट है, ये जो प्रिंट है इस तरह से जा रही, तो हमें इस कुर्ती को आड़ा बनाना। तो मैंने सबसे पहले अपने इस कपड़े को 2 बार फोल्ड कर लिया है। ये हमारा किनार टू किनार वाला पोर्शन है, इसको हम ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे और हम अपने घेरे की चौड़ाई यहाँ से 22 इंच रख लेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ाकर 22 हम इसलिए रख रहे हैं कि हमारे जो कपड़े का पन्ना होता है वह 22 इंच होता है, यानी 22 इंच होता है, तो उतनी चौड़ाई हम इसकी रख रहे हैं। तो यह हमारा 22 इंच हो जाए। अब हम अपनी लंबाई लेंगे, हमारी जो लंबाई है वह है 47 इंच। तो हम इसमें 1.5 इंच प्लस कर लेंगे तो यह 48.5 इंच 48.5 लेंगे। इसके बाद हम हमारी चोली लंबाई 16 इंच लेंगे, तो हम यहाँ पर चोली लंबाई का निशान लगाएंगे। इसका ख्याल रखिए, इसमें जो प्रिंट है उस प्रिंट को देखते हुए हमें बनाना है, ये प्रिंट एक जैसा जाए तो यह जो प्रिंट है ये ऊपर की तरफ ऐसे एक जैसा सीधा सीधा जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर इस तरफ अपनी लंबाई लेंगे, यहाँ पर हम अपनी चोली लंबाई का निशान लगा देंगे, 16 इंच हमें चोली लंबाई चाहिए, तो हम 16 इंच पे यहाँ मार्क कर देंगे। ये हम घेर निकाल रहे हैं, तो इसका ये जो स्टैंडर्ड साइज हमने ले लिया है कि कपड़े की जितनी पन्ना होता है उतनी चौड़ाई हमें इसको ले ली है। अब हमने ये 4 बार फोल्ड कराया तो हमने ये 22 इंच लिया है। अब हम यहाँ से अपनी कमर गुलाई का चौथा प्लस 2 इंच ले लेंगे। कमर गुलाई हमारी है 35 इंच 35 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा हम करेंगे। तो हम इंची टेप को 4 बार फोल्ड करके 35 पे ऐसे रखेंगे और उसको 4 बार फोल्ड कर चौथा हिस्सा निकाल लेंगे, तो हमारा आएगा 9.25 इंच। तो 9.25 में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 10.5 और 11.5 इंच हो जाएगा। हम सिलाई का और मार्जिन का दोनों हमेशा एक साथ प्लस कर लेते हैं, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे ले लेंगे और हम इसे यहाँ से ऐसे निशान लगा लेंगे और अब हम इसको यहाँ से ऐसे तिरछा मिला लेंगे। अब हम पहले इस कपड़े की कटिंग कर लें। अब हमारा ये नीचे वाला घेरा हो जाएगा। अब हम इस कपड़े को अपनी तरफ ले लेंगे और यहां से हम अपनी चोली की लंबाई लेंगे। आप प्रिंट का ख्याल रखें कि प्रिंट आपकी एक जैसी रहे, जैसे हमारी नीचे वाले घेरे में रही वैसी तरह से आपकी प्रिंट यहाँ पर इसमें ऐसे ही रहे। अब हम यहाँ से अपनी चोली लंबाई 16 इंच ले लेंगे, तो हम 16 इंच हमारी चोली लंबाई है और उसमें 1 इंच सिलाई का और प्लस कर लेंगे तो 17 इंच हमारी लंबाई हो जाएगी। और हम यहाँ पर उसे जहाँ हमारा ये 17 इंच आ रहा है इस जगह पर, यहाँ से हम स्केल से ऐसे मार्क लगा लेंगे और इस कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब हम अपनी चोली की चौड़ाई निकालेंगे, तो चोली की चौड़ाई निकालने का तरीका यह रहेगा, सीने का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच। तो हमारे पास सीने का चौथा हिस्सा, सीना हमारे पास है 38 इंच, 38 का 1/4 आएगा 9.5 और उसमें प्लस 2 करेंगे तो 11.5 इंच 11.5 हो जाएगा। तो हम यहाँ से 11.5 इंच ले लेंगे और इसको हम इस जगह से कपड़े को ऐसे 4 फोल्ड कर लेंगे। हम वापस चेक कर लेंगे कि हमारा 11.5 इंच है या नहीं, ये 11.5 से ज्यादा है, थोड़ा सा हम इतना ही इसे रख लेंगे। अब हम वापस अपनी चोली की लंबाई का निशान लगा लेंगे। हमारी चोली की लंबाई 16 + 1 = 17, 16 इंच और उसमें प्लस 1 सिलाई का लिया 17 इंच हो जाएगी। और हम यहाँ से इस कपड़े को ऐसे निशान लगाकर कटिंग कर लेंगे। अब हम इस पर अपनी चोली ड्रॉ कर लेंगे, तो आप आर्मोल के निशान का ध्यान रखिए, आपके प्रिंट का ध्यान रखते हुए आप बनाइए। जैसे आपकी घेरे की प्रिंट है वैसे ही आप अपनी कुर्ती की प्रिंट रखिए। ये देखिए मेरे घेरे की प्रिंट इस तरह से जा रही है, तो कुर्ती की भी इस तरह से। तो मैं यहाँ पर अब अपनी तख्ती के हाफ का निशान यहाँ लगाऊंगी, तख्ती यानी फ्रंट शोल्डर। इसके लिए आप मेरा मेजरमेंट वाला वीडियो देखिए, तख्ती का नाप
लगाने से आपके गले वगैरह की फिटिंग बहुत अच्छी आती है, गला बिल्कुल भी लूज नहीं होता है। तो हम इसमें पीछे का नेक काफी डीप रखने जा रहे हैं। तख्ती हमारी 13 इंच है तो हम उसका हाफ करेंगे तो उसका हाफ 6.5 आएगा और उसमें से हम 1.5 इंच माइनस कर देंगे तो 5 इंच हम यहाँ से अपनी तख्ती ले लेंगे। क्योंकि हम पीछे का नेक 10.5 या 11 इंच बना लेंगे इसलिए हम इसमें तख्ती में से सीधा 1.5 इंच माइनस कर रहे हैं। अब हम यहाँ से अपना लेंगे आर्म होल का स्टैंडर्ड साइज 7.5 इंच है, हम वही इसे ले लेंगे। अब हम ये हमने 5 लिया है तो हम इस जगह पर 5.5 लेंगे क्योंकि हम डीप नेक बनाने जा रहे हैं पीछे का, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। थोड़ी सी हम तख्ती इस नीचे की तरफ ज्यादा ले लेंगे क्योंकि ये हमारा शोल्डर काफी छोटा हो गया है। सीने के ऊपर हमारा कुर्ता नहीं टाइट हो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब हम यहाँ से लेंगे सीने का 4+2 तो 11.5 इंच हमारा सीने का चौथा आएगा। सीना है 38, 38 इंच, उसका चौथा 9.5, उसका 1/4 9.5, उसमें +2 करेंगे तो 11.5, 11.5 इंच हो जाएगा। अब हम यहाँ से 1 इंच बाहर की तरफ लेंगे और उसको यहाँ पे एकदम तिरछा मिला लेंगे। अब हम यहाँ से 1.5 इंच लेंगे और उसके बाद हम पीछे का नेक काफी डीप रखने जा रहे हैं इसलिए यहाँ से 0.25 इंच लेंगे। अगर हम वैसे जनरली अपने कुर्तों में 1 इंच लेते हैं लेकिन हम इस वाले में 1 से थोड़ा सा कम 0.25 इंच हम लेंगे और यहाँ से भी हम 1 इंच लेंगे और इसको ये जो हमने निशान लगाया अंदर वाला इस पर ऐसे मिला देंगे और इस निशान को हम ये अंदर वाले मार्क पर मिलाएंगे, अंदर वाली लाइन पर ऐसे मिला देंगे। अब हम इस निशान को यहाँ से इस पर और ये जो बाहर वाली लाइन है इस पर मिलाएंगे। हम कमर के यहाँ पे एज इट इज रखेंगे 11.5 इंच क्योंकि हम यहाँ पर कमर में टक्स देंगे तो उससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है और उससे कुर्ती का शेप भी बहुत अच्छा बनता है। हम इसमें डीप नेक बनाने जा रहे हैं तो फ्रंट का नेक और डीप बैक नेक दोनों की हम अलग अलग कटिंग करेंगे। ये हम कर्व स्केल से मिला रहे हैं। कर्व स्केल से मिलाने पे आपकी कुर्ती बस्ट एरिया के यहाँ पर टाइट नहीं होती है, सीने के यहाँ पर टाइट नहीं होती। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। अब हम सिर्फ अपने दोनों नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे तो हम इसमें 2.5 इंच अपने नेक की चौड़ाई रख रहे हैं तो हम 2.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाकर एक छोटा सा ऐसा कट लगा देंगे, उससे हमें आइडिया रहेगा कि ये हमारे गले की चौड़ाई है। अब हम एक पोर्शन को हटा लेंगे, इस पोर्शन को वापस फोल्ड करके हम ये वाले आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। हमारा आगे का नेक 7.5 इंच है तो हम यहां से 7.5 इंच लेकर हम गोल राउंड शेप देने जा रहे हैं तो हम इसको ऐसे मिला दें। ये हमारा फ्रंट का नेक हुआ। अब हम अपने बैक की नेक की कटिंग करेंगे तो बैक का नेक हम 11 इंच लंबा रख रहे हैं, 11 इंच लंबा रख रहे हैं तो यहाँ पर 11 पर निशान लगा देंगे और ये जो हमारा कट है यहां से हम इसकी चौड़ाई देंगे। हम इसको स्वीट हार्ट शेप देने जा रहे हैं। तो ये हमारा बैक नेक होगा और ये हमारा फ्रंट नेक होगा। अब हम फ्रंट में टक्स देंगे तो हम यहां से 4 इंच की डिस्टेंस रखेंगे, ये जुड़ी हुई साइड है उस तरफ से। आगे की टक्स की लेंथ हम 13 इंच पर रखेंगे तो 13 इंच पे हम यहाँ 13 इंच पर एक निशान लगा देंगे और हम 1/2 इंच के टक्स देंगे और यह कर्व स्केल से हम ऐसे मिला देंगे। ये कर्व स्केल से आपके ऑटोमेटिक टक्स के शेप लग जाते हैं तो इससे आप लगाइए तो आसानी से आपके लग जाएंगे। अब हम इसको खोल कर ऐसे डबल कर ट्रेस कर देंगे। पीछे वाली चोली में हम टक्स की लंबाई 10 इंच रखेंगे और चौड़ाई तो हमारी सेम ही रहेगी, 4 इंच हमने उसमें ली थी आगे वाले में, तो पीछे वाले में भी हम डिस्टेंस 4 इंच लेंगे और लेंथ हम 10 इंच के बाद से लेंगे। 10 या 11 इंच पे भी आप रख सकते हैं
और इसका भी मेथड यही रहेगा कि हम आधा इंच का यहाँ निशान लगाएंगे और ये कर्व स्केल से इनको मिला देंगे। अब हम इसको भी ट्रेस कर लेंगे ऐसे करकर। अब हमारी ये घेर और ये हमारी चोली की कटिंग है। अब हम इसमें से अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की चौड़ाई निकालने का तरीका भी हमारा वही रहेगा सीने का चौथा हिस्सा। तो सीने का नाप हमारे पास है 38, तो उसका चौथा हिस्सा 9.5 इंच आएगा। तो हम यहाँ से 9.5 इंच रख लेंगे। तो यहाँ से हम 9.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। इसके बाद हमारी जो स्लीव्स की लेंथ है वह है 12 इंच। तो हम यहाँ पे 12 इंच रख लेंगे। प्रिंट का आप फिर से दोबारा ध्यान लगाइए, जैसी आपकी कुर्ती में प्रिंट्स गई है वैसी ही आपके स्लीव्स में भी प्रिंट होना चाहिए। अब हम यहाँ से 3.5 इंच लेंगे, उसके बाद हम यहाँ से 1 इंच लेंगे। ये 3.5 इंच मेरा स्टैंडर्ड साइज है सभी बड़ों के लिए। और यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ इस 1 इंच से यहाँ 1 इंच पर कर लेंगे। इसके बाद हम इस लाइन को मेजर कर लेंगे। यह 8.5 की है तो इसका हाफ आएगा 4.25 इंच। तो ये जो हमारी लाइन है इससे 1/2 इंच ऊपर की तरफ होगा और 1/2 इंच नीचे की तरफ होगा। तो टोटल हमारा 1 इंच का निशान होगा। अब हम इसे ये कर्व स्केल से ये जगह से इस निशान से पहले इसे तिरछा मिला लेंगे और फिर हम स्केल को टर्न करके फिर यहां से मिला लेंगे। ऐसा ही हम ये साइड से कर लेंगे और इस जगह पर हम अपने स्केल को इतना तिरछा रख लेंगे। इस तरीके से आपके बहुत आसानी से स्लीव्स के निशान लग जाते हैं। अब हम यहां से रखेंगे 2 इंच और इस जगह से हम लेंगे हमारी स्लीव्स गोलाई का हाफ प्लस 2 इंच। तो स्लीव्स गोलाई हमारी 13 इंच है, उसका हाफ हमारा 6.5 आएगा 6.5। उसमें हम प्लस 2 करेंगे तो 8.5 हो जाएगा, 8.5 इंच हो जाएगा। और हम यहां से इसको ऐसे मिला देंगे और अब हम इस स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसे खोल लेंगे और ये दो पोर्शन को हम ये अंदर वाले आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग होती है। अब हम ये जो बॉर्डर है इसको अपनी ड्रेस में इस्तेमाल करेंगे। तो ये बॉर्डर काफी चौड़ी है तो हम इसको हाफ तो अपने स्लीव्स में लगा लेंगे और हाफ हम अपनी कुर्ती के फ्रंट में कर लेंगे। तो हम इस पैटर्न को ऐसे बीच में से कट कर लेंगे। ये जो बीच वाला पोर्शन है कि आधा ये बॉर्डर अलग हो जाएगा और आधा ये बॉर्डर अलग हो जाएगा। तो हम ये जो रेड पॉइंट है यहाँ से इसको अलग अलग कर लेंगे। अब हम अपने इस वाले पोर्शन को अपनी स्लीव्स में जॉइन कर लेंगे, स्लीव्स के निचले हिस्से में, और ये वाले पोर्शन को हम चोली के फ्रंट में लगा लेंगे। तो यह चोली का हम ऐसे सेंटर निकाल लेंगे, एक निशान लगा देंगे हम। ये हमारा सेंटर है और यहां पर हम इस बॉर्डर को लगा लेंगे और इस बॉर्डर की एक साइड पर हम ये ग्रीन थर्मोकोल के बटन बनाकर लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी यह ए लाइन कुर्ती की कटिंग होती है। इसे आप ट्रेंडी कुर्ती बोल सकते हैं, ए लाइन कुर्ती बोल सकते हैं, एसिमेट्रिकल टाइप कुर्ती बोल सकते हैं, डिजाइनर कुर्ती बोल सकते हैं। ये एक ही टाइप की कुर्ती होती है, बस थोड़े थोड़े हमारे कटिंग के मेथड अलग होते हैं और पैटर्न अलग होने से वह एक स्टाइलिश डिजाइनर कुर्ती हो जाती है। अब हम अपनी इस ड्रेस की सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले अपनी ये बॉर्डर लगाएंगे और बॉर्डर के साथ हम ये पोटली बटन भी इस तरफ लगाएंगे। तो पोटली बटन बनाने के लिए हम एक कोई भी कपड़े का पीस ले लेंगे और उसमें ये थर्मोकोल की बॉल्स रख लेंगे और उसके बाद हम इस पे ऐसे इसको चारों तरफ लपेट लेंगे। इसमें हम जो कपड़ा लिया है उसके मैचिंग का धागा लेके इसके चारों तरफ हम इस धागे को लपेट देंगे। इनको हम पोटली बटन्स बोलते हैं। ये हम अपने कुर्ते के बैक नेक में और यहाँ आगे इसमें पैटर्न में लगाएंगे। तो इस तरह से हम पहले ये पोटली बटन बना लेंगे।
उसके बाद आप जब भी पोटली बटन को मशीन में लगाएं तो ये हाफ वाला फुट, जिसको कि हम जिपर फुट कहते हैं, इससे लगाएंगी तो आपको लगाने में बड़ा इजी होगा। आपका ये फुट देखिए इस तरफ नहीं आएगा तो ये आसानी से इस पर लग जाएंगे। ये वैसे तो नॉर्मल फुट से भी लग जाते हैं, लेकिन आप इससे लगाएंगी तो आपको फिनिशिंग आएगी। और ये जिपर फुट आजकल मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं ट्रेलरिंग मटेरियल शॉप पर। अब हम ये बॉर्डर को यहाँ से पहले फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और हमने ये बॉर्डर का सेंटर निकाल लिया है। हम इस सेंटर के बीच में ध्यान रखते हुए इसको लगाएंगे यहाँ से थोड़ी ऊपर, और ये पोटली बटन को हम अंदर ऐसे रखते जाएंगे और सिलाई लगाते। यहाँ पर भी हम इसको थोड़ा नीचे रखेंगे क्योंकि यहाँ गला हम बाद में बनाएंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर डिस्टेंस होना ज़रूरी है। अब हम इधर से फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे नॉर्मल तरीके से। इस तरह से हमारा ये फ्रंट वाली चोली तैयार हुई है। अब हम अपनी बैक वाले नेक को तैयार करेंगे, तो बैक नेक में भी मैं इसमें ये थर्मोकोल्स की पोटली बटन बनाकर लगाऊंगी। तो सबसे पहले हम ये जो पोटली बटन से इनको इस तरफ ऐसे करके लगा लेंगे, और डिस्टेंस आप फिक्स कर लीजिए। एक तो हम ये सेंटर में लगाएंगे या मिडिल में, फिर हर दो फिंगर की डिस्टेंस पर आप इन्हें लगा लीजिए। इस तरह से आप चाहें तो मार्क्स कर सकते हैं। आप यहाँ पर सिलाई का जितना हम रखते हैं उतना हम छोड़ते हुए इन पोटली बटन्स की सिलाई लगाएंगे, जैसे कि हमें इतनी डिस्टेंस पर लगाने हैं, आधे से थोड़ा कम इधर हमारी सिलाई हो जाएगी। अब हम ये जो पीछे एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम एक एक्स्ट्रा वाला कपड़ा लेंगे, कैनवास लेंगे, आप चाहें तो पेपर कैनवास ले सकते हैं, बुकरम ले सकते हैं। हम सबसे नीचे पेपर कैनवास को रखेंगे, उसके बाद हम अपने कपड़े को रखेंगे। इसको हम सीधा रखेंगे, और हमने जो ये थर्मोकोल्स के बॉल बनाकर इसको लगाया है इसको अब हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, और अब हम इसे पिन लगाकर सेट कर लेंगे। और अब हम हमारी ये जो सिलाई इधर दिख रही है ये वाली, इस पर हम अपनी मशीन को चलाएंगे। इससे हमारी पीछे वाला जो बॉल्स लगे वो हमें पता नहीं चलेगा, तो ये सिलाई देखकर हमें पता चल जाएगा कि हमारी सिलाई बॉल्स के इस तरफ तक है, तो हम इसी पर अपनी सिलाई को दोबारा चलाएंगे। अब हम ये अंदर वाले कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब हम ये कैनवास की कटिंग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम कैनवास की कटिंग करेंगे। हम यहाँ से पहले निशान लगा लेंगे, आप चाहें तो एक जैसा ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं, और आप चाहें तो निशान लगा सकते हैं। आप ध्यान रखिए कि सिर्फ और सिर्फ आपका कैनवास की कटिंग होना चाहिए। अब हम ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग करेंगे, तो हम इसे कैनवास से थोड़ा बाहर कटिंग करेंगे,
और हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा ये नीचे वाला कपड़ा बिल्कुल पकड़ में नहीं आए। हम सिर्फ और सिर्फ इस कपड़े की कटिंग करेंगे। अब हम सिलाई के पास तक एकदम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। अब हम इस कपड़े को कैनवास के ऊपर ऐसे फोल्ड कर सिलाई लगा लेंगे। अब हमारा ये नेक इस तरह से बनकर तैयार है और हमने फ्रंट वाले नेक को भी सेम बैक वाले नेक की तरह ही तैयार कर लिया है। अब हम इनके शोल्डर्स को आपस में जॉइंट करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो इसको हम ऐसे उल्टा रखेंगे और ये पिछला हिस्सा है, बैक पार्ट है, इसके ऊपर इसको ऐसा रखेंगे और ये देखिए आपका ये बिल्कुल जो जॉइंट है हमारा उसके पास हम इसको रखेंगे और इसको इस तरफ हम ऐसे मोड़ लेंगे, टर्न कर लेंगे और अब हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। आप इस चीज का जरूर ख्याल रखिए कि यहां से एकदम बराबर हो। सेम मेथड से हम दूसरा वाला भी जॉइंट कर लेंगे। अब हम ये वाला पोर्शन इस तरह से हो जाएगा और यहां पर हमारा ये देखिए एकदम फिनिशिंग से आ जाएगा। और अब हम इधर देखते हुए यहां पर सिलाई लगा लेंगे। ये कॉटन का कपड़ा है तो हम इस पर मशीन से ही सिलाई लगाएंगे। अगर कोई और टाइप का कपड़ा है तो आप यहां पर तुरपाई कर लीजिए। इस तरह से हमारा ये चोली का आगे वाला हिस्सा, फ्रंट हिस्सा तैयार होता है और यह हमारा बैक नेक इस तरह से तैयार होता है। अब हम इसकी स्लीव्स को जॉइन करेंगे। तो हमारी ये स्लीव्स है, इसमें हम पहले ये बॉर्डर को लगाएंगे। तो हम इसके उल्टी साइड से पहले बॉर्डर लगाना स्टार्ट करेंगे और कपड़े स्लीव्स को हम उल्टा रखेंगे और बॉर्डर को भी हम उल्टा रखेंगे और ऐसे बिल्कुल नॉर्मल सिलाई लगा लेंगे। अगर आपकी बॉर्डर थोड़ी छोटी है तो हम स्लीव्स के खत्म होने से पहले ही इसको कट कर लेंगे थोड़ी सी दूरी पर, क्योंकि अंदर यह सिलाई में चला जाएगा तो ये काफी हो जाएगी। अब हम बॉर्डर को ये साइड टर्न कर लेंगे और इस येलो वाले पार्ट पर, बॉर्डर वाले पार्ट पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये कपड़ा हमारा इसी तरफ रहेगा और ये हम ऐसे ही इसको सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको ये साइड टर्न कर लेंगे और इस बॉर्डर को यहां से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हम इस स्लीव्स को चोली के साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो हम डीप कटिंग को इस डीप वाले के साथ ज्वाइन करेंगे। ये हमारी स्लीव्स है, ये देखिए इसकी यह वाली कटिंग थोड़ी डीप है तो हम इसको आगे वाले के साथ जोड़ेंगे। और कई बार हमारी स्लीव्स थोड़ी सी छोटी हो जाती है तो हम थोड़ी दूरी से उसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यह हमारा अंदर सिलाई में चला जाएगा और वह इक्वल हो जाएगी। और हमारा ये जॉइंट आया है यहाँ पर, हम ये स्टॉपर लगा लेंगे। यह हमारा जब डीप नेक बनाते हैं तब हम इन्हें लगाते हैं ताकि हमारी जो इनर वेयर है वो बाहर की तरफ ना आए। इस सिलाई को आप ड्यूरेबल कर लीजिए, डबल कर लीजिए। इस तरह से हमारी चोली और स्लीव जॉइंट हो चुके हैं। अब हम इसके नीचे वाले घेरे को इसके साथ यहाँ पर जॉइंट करेंगे। तो हमने यह नीचे वाला घेरा कटिंग किया था, इसका ये जो ऊपरी हिस्सा है इसको हम इसके साथ यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। तो हम अपनी चोली वाले हिस्से को नीचे रखेंगे और इसको इसके ऊपर रखेंगे और हम यहाँ से बराबर रखेंगे और इसको जॉइंट करना शुरू करेंगे। अब हम जो हमने ये टक्स भरे हैं यहाँ पर एक छोटा सा इसको प्लीट देंगे, आधा इंच का हम प्लीट दे रहे हैं ये, और इसका डायरेक्शन हम ये साइड रखेंगे तो दूसरे का भी डायरेक्शन रखते वक्त आप ध्यान रखें। अब हमारा ये दूसरा वाला टक्स आ गया है, पहले हमने ऐसे रखा था, अब हम उसे अपोजिट इस तरह से रखेंगे। ये देखिए हमारी चोली के यहाँ पर हमने छोटे से ये प्लेट्स डाले हैं। ऐसे ही हम बैक वाले पोर्शन को भी ज्वाइंट कर लेंगे घेर को चोली के साथ। अब हमारी हमने ये चोली को ज्वाइंट कर लिया है, ये हमारा नीचे का घेरा है। अब हम इसको फिटिंग देंगे। फिटिंग देने के लिए हम इसको उल्टा घड़ी कर लेंगे
पहले आप डबल फोल्ड कीजिए, फिर आप ऐसे बराबर से पकड़कर चार फोल्ड कर लीजिए। सबसे पहले हम स्लीव्स के यहाँ आर्म होल के यहाँ नीचे से अपने सीने के नाप की फिटिंग देंगे। तो सीने का नाप हमारे पास 38 इंच है, 38 इंच है, उसका चौथा हिस्सा 9.5 इंच आएगा, 9.5 आएगा, और उसमें हम 0.5 प्लस कर लेंगे। हमेशा हम आधा इंच प्लस करते हैं, लेकिन इसमें हम 0.5 इंच प्लस करेंगे क्योंकि ये साउथ कॉटन का फैब्रिक है, ये धुलकर श्रिंक होगा। तो हम यहाँ से हमारा सीनी का चौथा आता है 9.5, उसमें प्लस आधा इंच करते हैं तो 10 आता है, हम इसमें 10.25 इंच लेंगे। और कमर के यहाँ पर हम लेंगे कमर गोलाई का चौथा प्लस 1 इंच ले लेंगे। तो हमारी कमर गोलाई है 35 इंच, उसका चौथा हिस्सा आएगा 9.25 और उसमें प्लस 1 इंच करेंगे तो 10.25 इंच हो जाएगा। आप चाहें तो थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं और आप चाहें तो थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर है। और अब आप इन दोनों निशानों को ये हमेशा कर्व स्केल से मिलाइए। कर्व स्केल से मिलाने पर आपका कुर्ता बस्ट एरिया सीने के यहाँ पर टाइट नहीं होता है। और अब हम यहाँ से इसको स्लांट ऐसे मिला लेंगे पूरा नीचे तक। इसके बाद हम यहाँ पर स्लीव्स गोलाई का हाफ ले लेंगे। स्लीव्स गोलाई हमारे पास है 13 इंच, 13 इंच, तो उसका हाफ आएगा 6.5 इंच। हम यहाँ से 6.5 इंच लेंगे और उसको ये चुमा के यहाँ पर मिला लेंगे। इस तरह से हम सेम मेथड से वो साइड भी मार्क कर लेंगे। इस तरह से हमारी यह ट्रेंडी कुर्ती बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोस के लिए। थैंक यू।